पेपर वाले को रहता है, गरीब को भी रहता है, सबको रहता है। अभी इनको भी बोलेगा तो इनका भी बैंक का पैसा उठाया तो रहता ही है, ऐसा नहीं रहता है कि नहीं रहता है। तो भी उसमें से चैरिटी करने का, आपको जो पगार मिला ना तो छोटा मोटा, जो आदमी दान देता है ना, जीवन में आगे आना है ना तो जो भी है कुछ ना कुछ दिया करो, कुछ ना कुछ दिया करो, थोड़ा भी दिया करो। और दूसरे नंबर में कि अपन कितना जन्म के बाद अपने को मनुष्य जन्म मिला, ये बॉडी है ना, आप कभी मंदिर में जाते हो कोई भी किसी का भी गुरुद्वार रहता है, इनकी अग्नि रहता है, हमारा जैन मंदिर रहता है, स्वामीनारायण मंदिर रहता है, मस्जिद रहता है, चर्च रहता है, वहाँ कभी किसी ने भी वहाँ अंदर जाकर बीड़ी पीता है? नहीं, नहीं पीता है। गंदे मुंह से जाता है कि मुंह साफ करके जाता है? नहीं। गंदे पैर से जाता है, पैर पैर धोके जाता है ना? क्यों? कि भाई पवित्र जगह है। क्या जगह है? तो सबसे बड़ा पवित्र क्या है मालूम है? अपना अपना शरीर पवित्र है। जिस माँ ने अपने को पेट में 9 महीना रह उठा के चले और उस स्ट्रक्चर को जन्म नया बनाया, जन्म देने के बाद भी वो बच्चे को ठंडी नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, तो उसको ठंडी के दिन में अपना पल्लू के अंदर रखा, कुछ भी बारिश आवे तो भी पल्लू वो गिली भी पर अपने को गिला नहीं हुआ, क्योंकि ये पवित्र है मंदिर। उसको खाने पीने की हर चीज़ में उसने ध्यान दिया। उसकी माँ होगी मालिश करने के लिए, वो मालिश वाली को देंगी, पर नुलाएगी तो जात में, उसकी जात से नुलाएंगी, उसके भी विश्वास नहीं करेंगी कि क्या पानी ने टप्पा नाके डूबी ने मरी जैसे, तो उसके छोटे भाई पे भी और उसके बड़े भाई पे भी विश्वास नहीं करेंगी। तो जो भाई ने उठाया होगा ना तो भी उसका ध्यान हुआ होगा, अगर तू इन्हें बराबर पकड़ क्या फेंक ही नहीं देना तने हमारा ना तो पाड़ी ना कर दो आम कर। तो जब तक अपन समर्थ बनाया, अपने को ज्ञान से समर्थ बनाया, हेल्थ से समर्थ बनाया, हर चीज़ से माँ ने बनाया, क्यों? ये शरीर जीवन के अंत तक चलाना है, कोई रोग नहीं आवे, कोई व्यसन करते तो माँ अपने को व्यसनों से दूर रखती है, करने नहीं देती है। समझो कि केरी आम की सीजन है, बच्चे को आम बहुत भाता है, बहुत भाता है, वो खाते ही रहेगा खाता है तो माँ रोकेगी, ठीक है ना ना बधारे ना खा तो पूछ डब्बा पकड़ना पड़ेगा डब्बा, समझे? घर में कभी 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 हस्बैंड भी 2-4-5 ढोकड़ा खा जाते हैं ना तो उसकी बीबी चिल्लाती है, ठीक है वधारे कर दो तो चालू ऑफिस में भागू पड़ते हैं, कहा तो बतावे नहीं, कहा तो डायबिटीज हो तो वो बतावे नहीं, वाइफ को बतावे नहीं, खाई लेते तो पाचो तो डायबिटीज बदले ले तमाम इतना रक्षण परिवार वाला करे। तो जिस माँ ने अपने को जन्म दिया उसके बाद बड़े किया, तो सबसे बड़ा पवित्र मंदिर नहीं है, सबसे बड़ा पवित्र अपनी बॉडी है, समझे? और यही बॉडी की वैल्यू है, जानवर की बॉडी की वैल्यू नहीं है, देव की बॉडी की वैल्यू नहीं है, नरक गति की वैल्यू की बॉडी नहीं है, मनुष्य की वैल्यू है। तो इसके अंदर आप इससे अच्छा काम नहीं लो तो कोई वादा नहीं, उसके अंदर कोई व्यसन मत डालो, बीड़ी गुटखा लिकर आप समझे। तो जिस तो माँ का इतना मान रखो, जिस माँ ने अपने लिए इतनी मेहनत की है 9 महीना और उसके बाद भी, तो उस बॉडी को तुम डैमेज मत करना, बराबर है? तो दो बात आप ध्यान देना, जो भी मिलता है उसमें से थोड़ा भी चैरिटी करो, कि जिसको भी जरूरत है भले 100 रुपया से 1 रुपया भी या तो 1 पैसा भी चैरिटी करो, और शरीर को व्यसन से आज तक होगा तो वो सब निकाल देना, और सुबह उठ के नहा धो के भगवान का नाम थोड़ी देर भी लेने का, जो भी भगवान का आप वीडियो करते हो उसकी भगवान की माला गिनना, हाँ, और किसी के सुख दुख में आके खड़ा रहना, इतना करना, सर्व मंगल मिले सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जय ऐसा हूँ तमने सांभ। ये हमारा ये चंदन का पाउडर है, सैंडलवुड का